इनिशियली ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 1975 में प्रॉपरली एज अ रिलीफ डिपार्टमेंट टेकअप हुआ। जो पिछले साल की मॉनसून है जुलाई अगस्त और सितंबर के 90 दिन के लिए, उससे इस दफा ओवरऑल नेशनल एवरेज 30% अबव है। हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, उस डैशबोर्ड के ऊपर एक्शन टेकन की रिपोर्ट हमारे पास आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली और मैं हूं ज़ुबैर शारिक। नाज़रीन, मुल्क भर में मूनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम अदारों को अलर्ट्स भी जारी कर दिए हैं। PDMA की क्या तैयारियां हैं, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PDMA सर इरफान अली काठिया साहब। सर को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम कि आपने सर अपनी, मैं जानता हूँ कि आप कितने मसरूफ़ हैं या आजकल सीज़न ही कुछ ऐसा है जिसमें सर आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, आपने इस मसरूफियत में हमारे लिए वक्त निकाला। सर ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सर जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सर, इसका क़याम कब वजूद में आया और सर इसकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, बिल्कुल, रिलीफ डिपार्टमेंट तो ये सिंस इंसेप्शन किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि जब भी कभी कोई डिज़ास्टर्स होते थे तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए रिलीफ डिपार्टमेंट अपनी जगह पे ये था। इनिशियली ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 1975 में प्रॉपरली एज अ रिलीफ डिपार्टमेंट टेकअप हुआ और उसके बाद फिर इसने आगे कंटिन्यू किया। लेकिन 2010 के बड़े फ्लड्स के बाद आपने देखा, और उससे पहले हम 2005 में कश्मीर में बड़े जलजला हमने देखा, उसके बाद जो नेशनल लेवल पे और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी एक रिक्वायरमेंट थी कि हमारे मुल्क में एक हायरार्किकल इस तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए जो नेशनल और तमाम प्रोविंशियल लेवल पे वो सेम स्ट्रक्चर हो। तो उस ज़मन में 2010 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये पास हुआ था असेंबली से, और उसके तनाजुर में फेडरल लेवल पे NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी और तमाम प्रोविंसेस में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMAs बनी। तो 2010 के बाद फिर ये अब तमाम प्रोविंसेस में जो भी हैज़र्ड्स होंगे, जो भी इस तरह की कैटास्ट्रॉफीज होंगी, डिज़ास्टर्स होंगे, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए तमाम प्रोविंसेस में PDMAs वो वजूद में लाई जा चुकी है। सर किसी भी डिज़ास्टर के आने के बाद आपकी टीम किस तरह से उसको प्लान करती है, उसको निबटने के लिए वो सारी प्लानिंग बताएं और किस तरह से फिर आप उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं? जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि थ्रू आउट द ईयर डिज़ास्टर्स किसी न किसी फॉर्म में, अब ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजेस इस तरह की आ गई कि इसमें अब हम कन्वेंशनली हमारी अप्रोच सिर्फ फ्लड सेंट्रिक अप्रोच थी और उसमें सिर्फ फ्लड्स को ही पंजाब में वो हैज़र्ड या डिज़ास्टर समझा जाता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इन क्लाइमेटिक चेंजेस के पेश नज़र अब डिफरेंट हैज़र्ड्स हैं जो जिनको सारा साल PDMA को देखना पड़ता है। हमने ओवरऑल अपनी जो हैज़र्ड प्रोफाइल है पंजाब की उसको प्रॉपरली मैप किया हुआ है। और अब मैं अगर वन बाय वन आपको बताना शुरू करूं तो मरी का जो स्नो ब्लेजर्ड का 2022 का वाक़या आया, उसके बाद अब ये जो स्नो ब्लेजर्ड और इसके लिए जितनी भी प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग है ये राउंड द ईयर, ये थ्रू आउट द ईयर ये चल रही होती है। वहाँ पे इक्विपमेंट की फरहमी, वहाँ पे जो विज़िटर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन का कुछ इस तरह का निज़ाम बनाना, अब इन तमाम पे PDMA में वो साथ साथ प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस कर रहा है। इसी तरह जो हमारा हीट वेव आपने देखा अभी अप्रैल में अचानक अब्रप्ट इंक्रीज़ इन टेम्परेचर्स हुआ, उसके बाद फिर ख़ास तौर पर साउथ के काफ़ी अज़ला, उनमें हमें रिलीफ कैंप्स की एस्टेब्लिशमेंट, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ में हीट स्ट्रोक को मैनेज करने के स्पेशल काउंटर्स, इसी तरीके से जो ड्राउट है ये हमारा जो साउथ में चोलिस्तान का एरिया है और बावलपुर डिवीज़न है इसमें हमें ड्राउट को देखना पड़ता है जो 3-4 माह, इनमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर्स होंगे, बारिशें कम होंगी तो ये एक हैज़र्ड की सूरत। आपने देखा 2019 और 2020 में तकरीबन हमारे 26 अजला में लोकस्ट के अटैक की वजह से जो किसानों की कितनी फसलों का नुकसान पूरी हुआ की पूरी फसल तबाह और उसको भी उस वक्त दैट वाज PDMA के जिसने उसको रिस्पॉन्ड किया और उसको इस मैनस को और इस हैज़र्ड को उस वक्त इससे निपटा। इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें जो बड़े RTIs ये जो रोड ट्रैफिक इंसिडेंट्स हैं इनको भी PDMA ही 112 हमारी, क्योंकि रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर उसको लिया जाता है,
उनके थ्रू अपने ये प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हम थ्रू आउट द ईयर इस चीज़ को वो देख रहे होते हैं। अब जो हमारा ख़ास तौर पे मेन इम्पॉर्टेंट जो हैज़र्ड है दैट इज़ अगेन फ्लड्स। तो फ्लड की पूरा साल ये तैयारी हो रही होती है। आप देखें तो इसकी हमारे एक मैट्रिक्स बना है कि आपने किस माह में डिस्ट्रिक्ट से और ख़ास तौर पे वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे क्या क्या चीज़ें हो जानी चाहिए, जिसमें मॉक एक्सरसाइजेज हैं, जो रिवर बंस हैं उनके विजिट्स हैं, प्लस जहाँ जहाँ कोई वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग है। तो ये थ्रू आउट द ईयर ये चीज़ें प्रिपेयरनेस साथ साथ चल रही होती है। और ख़ास तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, के आपको जो ये आपके मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें रिवराइन फ्लड आने का ख़तरा है, उनके अंदर आपकी प्रॉपर जो ज़रूरी चीज़ें हैं रिलीफ में रेस्क्यू में काम आने वाली वो वहाँ पे ऑलरेडी वो पहुँचाई जा चुकी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी तमाम तैयारियाँ वो हमारी ना सिर्फ फ्लड्स के लिए बाकी हैज़र्ड्स के लिए भी वो इन प्लेस है। सर अभी आपने फ्लड्स की बात की तो सर फ्लड्स के हवाले से एक सवाल है कि सर मूनसून रेन कास्ट के पेश नज़र सर इस वक्त रावी में तुगयानी की क्या सूरत हाल है, सर उसके साथ साथ लाहौर में सर फ्लडिंग आ सकती है अगर खुदा ना खास्ता कभी आ जाए तो सर उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? जी अभी आपने देखा कि ओवरऑल जो एक मॉनसून की प्रिडिक्शन है दैट इज़ 30% अबव नॉर्मल रेनफॉल, कि जो पिछले साल की मॉनसून है जुलाई अगस्त और सितंबर के 90 दिन के लिए उससे इस दफ़ा ओवरऑल नेशनल एवरेज 30% अबव है। इसी तरह पंजाब में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई कि अपर में ये तकरीबन 25% अबव है और लोअर पंजाब में 36% अबव नॉर्मल रेनफॉल है। तो इस चीज़ को और इस प्रडिक्शन को के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जितनी भी ज़रूरी तैयारियाँ थी उन तैयारियों में कि क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा था तो हमें रिवराइन फ्लडिंग का तो चांस था ही था, मेन प्रॉब्लम था अर्बन फ्लडिंग के इंसिडेंट्स और इस तरह की चीज़ें ना हो। तो उसके लिए हमने बिफोर टाइम हमने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स को जितने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं तमाम की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अपना जो लायजोन है कोऑर्डिनेशन है उसको फौरन इफ़ेक्टिव किया। उसके बाद जो अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड SOPs हैं वो तमाम पंजाब में अर्बन सेंटर्स के लिए वो ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि PDMA में जब प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहा है तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट आर्म हैं दे आर DDMAs डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और हर डिप्टी कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन है। तो उनको तमाम टेंटिकल्स को हमने ना सिर्फ अलर्ट किया कि इस दफ़ा हमारी बारिशें ज़्यादा हैं, और यही वजह थी कि आपने देखा जुलाई फर्स्ट वीक से बारिशों का मेन स्पेल वो मॉनसून का वो शुरू हुआ। और आपने लाहौर में भी देखा कि 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हमने यहाँ विटनेस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नो टाइम वो, क्योंकि डी सिल्टिंग का प्रोसेस हमने ऑलरेडी इनिशिएट करवाया हुआ था, जितने वासाज हैं लोकल गवर्नमेंट से उनसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और ड्रेनेज सिस्टम को बड़े नालों को नाला लई से लेके सियालकोट नारोवाल वज़ीराबाद के नाले और बड़े अर्बन सेंटर्स में तमाम नालों की हमने वो डिफरेंट साइकिल्स में मल्टीपल साइकिल्स में डीसिल्टिंग करवाई ताकि जब भी ये रेन वाटर आएगा पानी आएगा तो ये प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये तो हमने काम किया जो अर्बन फ्लडिंग, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ जो रिवराइन फ्लडिंग है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी मॉनसून की एक्टिविटी रही है इसमें मखसूस इंटरवल्स होने की वजह से अभी तक ये बारिश रिवराइन फ्लो में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। आप देखें हमारे वेस्टर्न रिवर्स इंडस से लेके जेहलम चनाब उनमें वाटर फ्लोज अभी तक नॉर्मल हैं रादर बिलो नॉर्मल हैं, और इनके ऊपर जो हमारे रिजर्वायर्स हैं तरबेला देखें मंगला देखें तो एज ऑफ टुडे तरबेला 73% भरा है, अभी तक इसमें 27% की गुंजाइश है। इसी तरह जो जेहलम अपना मंगला है मंगला अभी तक 53% भरा है 52%, तो इसमें भी अभी ऑलमोस्ट हाफ मंगला वो हमारे पास जगह है। इसी तरह अगर हम ईस्टर्न रिवर्स की देखें तो इसमें जो इंडियन साइड है इसमें बड़े डैम्स बने हुए हैं जिसमें भाखड़ा पोंग थीन, और ये तमाम डैम्स जो पिछले साल से इस दफ़ा इनमें बड़ा क्लियर एक डिफरेंस है कि ये इस वक्त भाखड़ा पोंग और थीन ये ऑन एवरेज सारे 25-30% भरे हुए हैं, तो मीनिंग देयर बाय कि इसमें अभी 70% की अभी गुंजाइश है। तो आगे मॉनसून ये डिपेंड करता है कि अब आगे फ्यूचर में आने वाले हफ्तों में अगर हमारी जो अपर कैचमेंट्स बनती हैं जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का इंडियन साइड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्लाउड बस्टिंग होती है या कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट रेनफॉल होता है तो फिर शायद खुदा ना खास्ता जाके मिड अगस्त के बाद
कोई हमारा इधर रिवर्स में इस तरह की, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, नॉर्मल चल रही है। सर अगर हम लाहौर की बात करें तो एक तारीखी शहर है, और अगर अंदरून वाली साइड की अगर बात की जाए तो खस्ता हाल बिल्डिंग्स भी हैं, उनके कुछ मिसमार होने का भी खदशा होता है, तो उस सूरत हाल में बताएँ कि क्या वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको डील करती है या फिर वॉल्ड सिटी के साथ कोई जॉइंट वेंचर है आपका? जी ये आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि हम अनफॉर्चुनेटली ये जब भी अल्लाह की रहमत बारिश को कंसिडर किया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ पंजाब जब भी कभी बड़ी बारिशें होती हैं तो इसके पेश नज़र हम डिफरेंट इंसिडेंट्स देखते हैं जिसमें रूफ़ क्लैप्स है, जिसमें घरों का गिरना है, छतों का गिरना है, दीवारों का गिरना है, और उसमें बेशतर कीमती जानों का ज़िया भी होता है। मैं आपको बताता चलूँ बड़े अफसोस के साथ कि 30 जून से लेके आज तक हमारे पास तकरीबन 25 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जाने सिर्फ ये रूफ क्लैप्स और डेंजरस बिल्डिंग्स की वजह से जाने गवा चुके हैं। इसी तरह मोर देन 84 पीपल वो देवर इंजर्ड और ज़ख्मी हुए, डिफरेंट कभी छत गिरी कभी दीवार गिरी, और इसकी सिर्फ जो वजह यही है कि ये खस्ता हाल बिल्डिंग्स होती हैं, खस्ता हाल इमारतें हैं। लेकिन अब जो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन तमाम की मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये ऑल बिल्डिंग्स दे आर जियो टैग्ड, और तकरीबन जो हमारा लास्ट डेटा है उसके तहत ये तकरीबन 9736 बिल्डिंग्स हैं थ्रू आउट पंजाब, और इन बिल्डिंग्स में फिर आगे वो है कि इसमें से कितनी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कितनी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, और इन में आगे किस किस्म की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। कुछ हैं जो रिपेयरेबल हैं, उनको रिपेयर करके लिवेबल बनाया जा सकता है, और कुछ ऐसी हैं जिनका इवैक्यूएशन और डिमोलिश करना ही। तो इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, लाहौर की भी आपने बात की, ओवरऑल ये फिर जो डोमेन बनती है ये लोकल गवर्नमेंट्स की डोमेन बनती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की और डिप्टी कमिश्नर्स की डोमेन बनती है, यहाँ पे वॉल्ड सिटी की ये डोमेन है। तो इनको ये डेटा ऑलरेडी डिसमिनेट किया हुआ है, हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, उस डैशबोर्ड के ऊपर एक्शन टेकन की रिपोर्ट हमारे पास आती है कि हमने फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कसूर है तो डिस्ट्रिक्ट कसूर की ये जो 3000 या 2000 या 1500 बिल्डिंग्स हैं जो खस्ता हाल थी, जिनमें से ये रिपेयरेबल हैं, ये डिमोलिशेबल हैं, तो उन पर हमने ये एक्शंस किए। तो वी आर इन टच विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्पज़। लेकिन मैं फिर ये कहूँ कि इसके साथ एक इकोनॉमिक फैक्टर भी वो अटैच्ड है कि आप यू नेवर नो कि शदीद बारिश आए और किसी भी दूर दराज देहात में वो एक खस्ता हाल छत उसके गिरने से, अब शायद इतनी आउटरीच गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये हेल्प आउट करना चाहिए और इतनी आउटरीच बनानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स होते हैं और इन पे अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। सर हम अक्सर ये दुआ करते हैं, दुआ भी ये होनी चाहिए कि बारिश रहमत की हो, जहमत की ना हो, क्योंकि जहमत की बारिश बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है लोगों के लिए। सर इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सर अक्सर आप देखें कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो सर शॉर्ट सर्किट की वजह से खम्भों के अंदर करंट पैदा हो जाता है, सर घर की दीवारों में करंट पैदा हो जाता है, तो सर उस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अडाप्ट किए हुए हैं पीडीएम में? सर जी बिल्कुल, अगेन ये मैं यही जिक्र करूंगा कि जब भी ये जो SOPs हम इसके लिए अर्बन फ्लडिंग के लिए जारी करते हैं और इस साल भी हमने जो जारी की, उसमें जो मेन हमारा पॉइंट है वो लो लाइंग एरियाज से, पॉन्डेज से, वल्नरेबल ग्रुप्स, बच्चे, बुज़ुर्ग, इनको दूर रखना। दूसरा फिर उसमें अगली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी ये वेट वेदर होगा और उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह की अप्लाइंसेस से, खंभों से, बिजली की तारों से वो दूर रहना है। और इस ज़मन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो वापडा है उनकी मल्टीपल मीटिंग्स वो हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर बाज़ूकात ट्रांसमिशन लाइन्स में और नीचे मोहल्लों में और वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वापडा उनकी जो कोऑर्डिनेशन है और टू ये मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स, वो हम इसको इंश्योर करवाते हैं। और आपके तवसुत से भी फिर यही होगा कि आगे भी आने वाले दिनों में भी बारिशें हैं तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा कि अप्रैल के महीने में ये जो बिजली की तारें और खंभों के इंसिडेंट्स तो अपनी जगह हैं ही हैं, इस दफ़ा एक जो एक थोड़ा डिफरेंट फिनोमेना था वो था स्काई लाइटनिंग, कि हमारा 26 लोगों की डेथ हुई सिर्फ अप्रैल के महीने में आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात में, जिसमें सिर्फ 13 जो अप्रैल था शायद ईद से दूसरा तीसरा दिन, उस सिंगल डे पे 9 लोगों की डेथ हुई
साउथ पंजाब में और ख़ास तौर पर रहीम यार खान में आसमानी बिजली के गिरने के इंसिडेंट्स। तो ये बिल्कुल अपनी जगह चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ खुदा की कुदरत में हैं, इंसान के अख्तियार में नहीं है। सर, जिस तरह से भी हम आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों को आगाही के हवाले से भी, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दौर है, तो फिर आप क्या मॉड्स को इस्तेमाल करते हैं लोगों को आगाह करने के लिए, मैसेजेस के थ्रू या किन किन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं पीडीएम में? जी बिल्कुल, हमारे पास जो पीडीएम में हमारे पास अपना एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत हमारे पास जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पर रिवराइन फ्लडिंग की सूरत में, हमारे पास इनका एक 1.8 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा है। डेटा से मुराद उनके टेलीफोन नंबर्स, उनके बाकी जो रिलीफ या किसी भी किस्म के आगे रिलीफ पैकेज के डिज़ाइन करने में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख? 1.8 मिलियन, 18 लाख हाउस होल्ड का मतलब है कि वो पूरा घराना मल्टीप्लाई बाय 5 और 6 जो भी हमारा एक फैमिली साइज है। तो ये एक अच्छा डेटा सेट है जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ का है कि जो सिर्फ रिवराइन फ्लड में जिनको जो मुतासर हो सकते हैं। तो खुदा न खास्ता जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम उनको टेक्नोलॉजिकली जो हमारा सिस्टम डेवलप्ड सिस्टम है उसके तहत हम उनको विद वन क्लिक हम उन तमाम को आगाही मैसेजेस वो भेजते हैं। उसके अलावा जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस तरह के किसी भी ज़िले में जहाँ पे इस तरह की कोई कैटास्ट्रॉफी आ सकती है, तो वो जो स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे कंटीजेंसी प्लानिंग में तमाम के टेलीफोन नंबर्स हैं, वो टेलीफोन नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उनको साउंड करते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम में इस तरह की ये कैटास्ट्रॉफी आ सकती है, तो आप इसको एक सॉर्ट ऑफ अर्ली वार्निंग, एक रैपिड एंड इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम वो दैट इज़ इन प्लेस इन पीडीएम में। सर, आपका जो कंट्रोल रूम है ये भी 24/7 यहाँ अवेलेबल है, स्टाफ मौजूद होता है? जी बिल्कुल, ये 24/7 12 महीने 24 घंटे ये इफेक्टिव होता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि ये सिर्फ फ्लड्स को नहीं देख रहा, इसके अलावा भी जो भी कोई कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, कुछ अर्थक्वेक हो गया, इवन मैं अब 2 दिन पहले आपने देखा खुशाब में, रादर कल ही खुशाब में 10 बच्चों के डूबने का वाकया आया। तो द मोमेंट हमें ये पता चला तो हमने अपने तमाम टेंटिकल्स और तमाम जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो रेस्क्यू 112 से लेके इवन पाकिस्तान नेवी के जो गोताखोर हैं वहाँ तक की, फिर यहाँ से हमने अरेंजमेंट्स अपनी इंश्योर करवाई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्टी कमिश्नर, उन सबको लूप में लेके एक रैपिड रिस्पांस के तहत जितना भी उस नुकसान से बचा जा सके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने से वो यहाँ पीडीएम में इंश्योर करता है। सर, प्रोग्राम के एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को तो सर वो प्लीज़ दीजिएगा। जी, मेरी बस पब्लिक से यही गुजारिश है कि आने वाले दिनों में भी अभी मानसून के 2 मेजर स्पेल्स वो रहते हैं, तो बारिशों के पेश नज़र ऑलरेडी काफ़ी सारी कीमती इंसानी जानों का वज़ा हम देख चुके हैं, तो आप से यही गुजारिश है कि इस तरह की खस्ता हाल जो हमारी बिल्डिंग्स हों उनमें रहाइश इख्तियार करने से परहेज़ करें। दूसरा, इसके साथ साथ जब भी कभी थंडर स्टॉम के साथ या बारिश होती है तो आप कोशिश करें कि ओपन में वो बाहर ना निकलें, कि आपने देखा आसमानी बिजली से कितनी हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई, तो अगर हम इन चंद एहतियाती तदाबीर पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म के मुमकिन नुकसान से वो बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पीडीएमए, जिन्होंने हमें बताया हिकमत अमली के बारे में कि किस तरह से इनका महकमा किसी भी किस्म के डिज़ास्टर से पहले प्रिक्योर करता है और किस तरह से निपटता है। ये तमाम चीज़ें सर ने हमें अपने इस प्रोग्राम में बताई। तो आपने अब हमें अपने प्रोग्राम का, जिस तरह हम डेली बेसिस पर प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस तरह से अपने प्रोग्राम को हम बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आपने करना क्या है? आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विजिट करना है और हमारी वेबसाइट कौन कौन सी हैं? हमारे जी ट्विटर का अकाउंट है PSCS सेफ सिटीज़ और हमारा फेसबुक का अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़। इसके अलावा हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई आपकी क्यूरी है उसको भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के पास।